हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश अंजर लेकर इस बार एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहा हूँ। बहुत बार लोगों ने पूछा था कि स्प्रे गन से, जो एयर गन बोलते हैं, उससे किस तरह से है क्ले की स्कल्पचर या कुछ भी किस तरह से पेंट किया जाता है, वो उनको जानकारी चाहिए थी। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो करता हूँ। मेरे पास एक मैनिक्यून है छोटा, क्ले में बनाया हुआ, तो उसके ऊपर मैं आज करके दिखाने वाला हूँ। स्प्रे पेंटिंग के लिए जो बेसिक इक्विपमेंट लगते हैं उसमें ये है, एक छोटा कंप्रेसर है, स्मॉल साइज का कंप्रेसर मैंने लिया है, और इसके साथ गन रहेगी, जो स्प्रे गन एयर गन बोलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ दो कलर की गन है, एक जो टिक कलर मारने के लिए यूज करते हैं वो ये है, इसका कप भी बड़ा होता है, और जो फाइन वर्क करने के लिए करते हैं ये एयर ब्रश स्मॉल गन यूज करते हैं। इसके साथ जो भी कलर्स मैंने लिए हैं सब पोस्टर कलर, वाटर सोल्यूबल ओपेक पोस्टर कलर से, सिंपल जो मार्केट में पोस्टर कलर करके मिलते हैं वो है, और वो मैंने एक बाउल में थोड़े पतले करके लिए है, जो मुझे फेस के लिए, स्किन के लिए, ब्राउन है, ब्लैक है, थोड़ा ऑरेंज येलो है और रेड है, ये मैं पतले करके ले लिए है ताकि गन कप में डालने के लिए बहुत ईजी जाए। अभी यहाँ जितना रिक्वायर्ड स्प्रे गन का कंट्रीब्यूशन था वो हो गया है, और इसके आगे फिर ब्रश से काम होगा, जहाँ मैंने चिपोन्स के ऊपर थोड़ा सा रेडिश कलर यूज किया है, और थोड़ा उसको ज़्यादा दिख रहा है आँख में वगैरह, वो सब बाकी दिखाई होने के बाद उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, और उसके ऊपर हम जो ब्रशिंग के लिए अभ्रक वगैरह यूज करते हैं उसके लिए, या आजकल बल्ब कलर मिलते हैं फिर उसमें वो कम हो जाता है। बाल के लिए भी मैंने एवरेज ब्लैक एंड ब्राउन मार के लिए है, आज में थोड़ा सा डेप्थ के लिए मैंने ब्लू थोड़ा सा ब्राउन भी कर दिया। यहाँ हम
एक स्प्रे से कलरिंग कर रहे हैं और बाहर बहुत अच्छा बारिश हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हम जब गणपति बनाते थे तभी का याद आने लगा।